नमस्कार दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। वैदिक काल में फड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिए, व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मुरुगन। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो यह कांस्य में। अगला है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो यह कव्वाली शैली। अगला है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अगला है, अकबर नामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, पांडवों को कौलिक सर्वप्रथम किस विदेश यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। अगला है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। अगला है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। अगला है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उद्दन। अगला है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभि निष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अश्वशाला के विधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आफूर। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अगला है, विशिष्टा द्वैत का प्रवर्तक कौन थे? रामानुजा चार। अगला है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। अगला है, चोल वंश का संस्थापक कौन थे? विजयालय। अगला है, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। अगला है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। अगला क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। अगला है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। अगला है, उत्तरा रामचरित के लेखक कौन है? भावभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो यह अल बरूनी। अगला है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो यह था राजेंद्र प्रथम ने, प्रथम से। अगला है, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर। अगला क्वेश्चन है, नायब एम मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? ये था मुईज उद्दीन बहराम शाह ने। अगला है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? कहा जाता था सोहरत ए आम। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? ये था मीर कासिम ने। अगला है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो यह अयोध्या अभिलेख।
अगला है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बंटा था? तो ये 7 वर्गों में, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। अगला है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। अगला है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजसिंह थी, जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण किया करवाया था? तो कैलाश मंदिर। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण कृष्णा प्रथम ने। अगला है, शेर शाह है का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, बिहार में। अगला है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। अगला है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। अगला है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंक के काल में। अगला है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। अगला है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? मौर्य वंश। अगला है, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। अगला है, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। अगला है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अली नगर की संधि। अगला है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। अगला है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। अगला है, सल्तनत कालीन प्रांतों की सेना क्या कहलाती थी? हसमे अतराप। अगला है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नांग भट्ट ने। अगला है, महाराज रणजीत सिंह के साथ किसके विचार में उसके साथ परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉक। अगला है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाहगे। अगला है, सोमनाथ मंदिर पर महबूब गजनी की गजनबी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? भीम पेथम। अगला है, फोत्तो उस सलातीन की रचना किसने की तथा कब? तो ईसामी ने की 1350 में। अगला है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नांगनिका ने। अगला है, हाल ही ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? हाल ने, प्राकृतिक भाषा में। अगला है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष त्याग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। अगला है, संगम युगीन ग्रंथ तोलक्कपियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। अगला क्वेश्चन है, सोनगिरी का इतिहास दिगंबर जैन तीर्थ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल।
है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अनबेटेस रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। अगला है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व। अगला है, बाणभट्ट प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। अगला है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। अगला है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अपना अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहते हैं? अमाजू। अगला है, महात्मा बौद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? विसेनजीत। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? काला शोक ने। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो याद रखिए, 13वें शिलालेख में। याद रखिए, 261 ईसा पूर्व में हुआ था ये कलिंग युद्ध। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो ये था बृहद्रथ की। याद रखिए, मौर्य वंश का अंतिम यही था बृहद्रथ राजा। अगला, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। अगला, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग वांगीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी को यादगार में औरंगजेब ने बनवाया था। अगला, प्रसिद्ध चित्रवाच के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। अगला, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत श्रोमणी और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। अगला, शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। अगला, स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अगला, अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। अगला, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। अगला, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। अगला, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? विहदत्त। अगला, हर्ष की पराजय जिसके हाथों तो हुई थी उस पुलकेशिन द्वितीय की। अगला, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामक किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। अगला क्वेश्चन है, एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया कौन था? वह बलबन। अगला, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 का। अगला, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था? तो विजयनगर राज्य में विधवा पुनर्विवाह को इससे बाहर रखा गया था। अगला, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे?
के दरबार में। अगला, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। अगला, तिरुनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को। अगला क्वेश्चन है, यदि यम द्वारा नचिकेता और उसके तीन वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? कठोपनिषद में। अगला है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का, तक्षशिला का। अगला, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। अगला क्वेश्चन है, कल्लड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। अगला है, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के के से खलीफा शब्द हटाया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेश यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। अगला, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बौद्ध ने। अगला, मेघदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो ये था भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो याद रखिए, जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। अगला, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। अगला है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। अगला है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? बतापी, वतापी। अगला है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला है, आंध सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने बेड़ बेड़ कंठक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राग सिंधु सभ्यता संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जोते हुए खेत का मिला है, साक्ष्य मिला? कालीबंगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में शिखर का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस संहिति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान महायान में विभाजित हो गया? चौथरी संगति। अगला है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रम शिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? ये था धर्मपाल। अगला है, गुप्त वंश का कौन सा शासक शासक देवराज एवं देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोदी ने। अगला है, सल्तनत में सर्दिका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। अगला है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु। अगला है, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। अगला है, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। अगला है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिक मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? पेडोक नाम से। अगला है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला है, अकबर के अल्पायु होने के कारण
1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में। अगला है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जाफर। अगला है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। अगला है, श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। अगला है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। अगला है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? ये था कृष्णा प्रथम ने। अगला है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। अगला है, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। अगला है, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अगला है, ईहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। अगला है, तोल वक पीएम पीएम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचना काल था? हरिशेण। अगला है, किस मुगल शासक को शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम। अगला है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। अगला है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। अगला रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्तांतरित हुई थी? अमृतसर की संधि। अगला है, सैन्य विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर। अगला, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार क्या नाम था? बलि। अगला है, संगम युग का ग्रंथ मणिमेगले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। अगला है, भगवान बौद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को। अगला है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पुत्र संप्रीति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्या व दान से। अगला है, 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल किसने विनाश किया था? बलबन ने। अगला चलिए, तो हम बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला है, चांद बीवी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बीहापुर के अली आदिल शाह से। अगला है, सुप्रसिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। अगला है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्दाता। अगला है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अगला है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? द्रविड़। अगला है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? पेरुनल। अगला है, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। अगला है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? जैनुल अबादीन। अगला है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। अगला है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनार्यों के लिए। अगला है, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? काव्य शैली में। अगला है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिम्बिसार। अगला है, चंदावर का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच। अगला है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। अगला है, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने। अगला है, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। अगला है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी?
मोहम्मद तुगलक ने अगला जफरनामा किस नाम से इतिहास में क्यों विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। अगला आर्यों के पूर्व की ओर फिसार का भी ज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्या वैश्वा नर तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में। अगला है ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में। अगला है निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। अगला है खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला है लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। अगला है मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। अगला है मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी था? उत्तरापद की। अगला है अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया? गुफा संख्या 9। अगला है गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलूपति। अगला है बारह मिहिर द्वारा रचित वेद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया? सुलिक जाति का। अगला है राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम को। अगला है गुलाब वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। अगला है सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इद्रार। अगला है अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वहां का शासक कौन था? जयमल। अगला है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला है महात्मा बौद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का। अगला है गुप्तोत्तर काल में राजाओं द्वारा विदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। अगला है किस इमारत को ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। अगला है हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। अगला है लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। अगला है दीवान ईसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली अगला है दिल्ली सल्तनत का और वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्त पीड़। अगला है ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? पशु चोरी का। अगला है उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला है गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन है मनु यज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल माना गया? शूद्रों के समतुल। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? 1000 ईस्वी में प्रथम और 1027 ईस्वी में अंतिम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वकाटक राजवंश का। अगला क्वेश्चन है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में। अगला है चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। अगला है
चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। वह था अमीर खुसरो। अगला है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से मिली प्राप्त हुई है? तो ये सुरकोटदा। अगला है, संगम युग में रचित ग्रंथ तोल तोलक का पीएम पीएम का विषय है तमिल व्याकरण। अगला है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। अगला है, अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रिय प्रियदर्शी किस नाम शासक को कहा गया? अशोक को। अगला है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाला वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। अगला है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य के लिए। अगला है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य या ताम्र युग के। अगला है क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बौद्ध की मृत्यु के तल्पिकाल बाद किया गया था। इस संगीति के अध्यक्ष थे अध्यक्ष किसने की थी? महाकश्यप ने। अगला है, मिलिंद पनेओ के पात्र थे नागसेन एवं मिनांडर मिलिंद। अगला है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। अगला है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि करता था? बलबन। अगला है, रजमनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। अगला क्वेश्चन है, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था? सुप्ता गेंडोर गेंडोर। अगला है, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात में। अगला है, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्ट नेमी को नेमीनाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी का पर अधिकार किया था? देवगिरी में। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। अगला है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। अगला है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1458 में। अगला है, भगवान बौद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर। अगला है, छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। अगला है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? गौपद ब्राह्मण ब्राह्मण। अगला है, बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। अगला है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया? अकबर को। अगला है, नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू त्रिसा। अगला है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजी खान। अगला है, किस सूफी संत ने कहा है कि दिल्ली अभी दूर है? तो याद रखिए, निजामुद्दीन औलिया ने। अगला है, किस ग्रंथ का अनुवाद रजम नामा के नाम से किया गया? महाभारत का। अगला है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ये थी ताराबाई। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं
प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद व अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरे सामन्तता किससे बनी थी? सेल खड़ी से। अगला है, वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। अगला है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की। अगला है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया उपनिषदों के लिए। अगला है, 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? बंगाल में। अगला है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 में। अगला है, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, अंग्रेजों का सबसे बड़ा संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के। अगला है, चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? कनिष्क के संरक्षण में। अगला है, महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। अगला है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में? गुजरात में। अगला है, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक है? तो ये बैलगाड़ी का। अगला है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। अगला है, फुतुहत ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। अगला है, कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदोसी। अगला है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया? पल्लव वंश के शासकों ने। अगला है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्यकार कौन सा है? कैलाश मंदिर। अगला है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। अगला है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि। अगला है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। अगला, अजीवक अजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मखली गोसाल। अगला, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। अगला है, शिवाजी के पिता शाह जी भोसले मूलतः किस राज्य की सेवा में थे? अहमदनगर। अगला है, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। अगला है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। अगला है, राजस्थान के कालीबंगा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। अगला है, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। अगला है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? क्रमशः शाहजहां औरंगजेब ने। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? कृषि से। अगला है, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। अगला है, 1878 के वर्नाकुलर क्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे ज्योतिबा फुले। अगला है, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन है, खारवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला है, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश शासक था? जलालुद्दीन खिलजी।
अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, भारत का पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने। अगला, 1757 में अली नगर की संधि किन किन के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के विरुद्ध। अगला, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। अगला, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य को माना जाता है? जैमिनी। अगला, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? ब्रह्मी लिपि में। अगला, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? ये था अंगुनर निकाय। अगला है, किसमें लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से, शूद्र की विष से की जानी चाहिए? ये थे वराह मिहिर। अगला है, वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का वर्णन किया? तो यह बेहद सही था। अगला है, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? सैन गुट वन लाल चेर को। अगला है, 1883 ईस्वी में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने सेवन बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था? ये थे चामुंड राय। अगला है, खैर उल मजलिस का लेखक कौन था? हमीद कलंदर। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायस राय के समय में पारित हुआ? तो 1878 में लॉर्ड लिट्टन। अगला है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अगला है, मलिक कपूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? पिताम रुद्र देव। अगला है, कैरट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। अगला है, स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ की? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। अगला है, सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का। अगला है, अष्टांग मार्ग का पालन करने की दिशा में शिक्षा किसने दी थी? गौतम बौद्ध ने। अगला है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? श्री रंगपट्टनम। अगला है, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने। अगला है, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवीय राज्य की। अगला, यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाज सनेही संहिता। अगला, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो ये थे प्लिनी। अगला, भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था ईरानियों ने? अगला, गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया सूत्र निपात में? अगला है, चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से? लोहा से। अगला है, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया? विलाम। अगला है, ऋग्वेद में अगन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? दूध देने वाली गाय के लिए। अगला है हमारा, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के विदेशों अधीनस्थों राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल। अगला, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की गुर्जरा। अगला है, देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। अगला है, सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में। अगला, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह को। अगला है, चंदेल वंश का संस्थापक थे? नन्नूक। अगला है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाखादत्त की। अगला है, किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? रुद्र दामन फर्स्ट ने। अगला है, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। अगला है, वाद राय
का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। अगला है बुद्ध की पित्थम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा को। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थ कौन थे? ऋषभदेव। अगला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का। अगला है फेरा मीराकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़। अगला है भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 में। अगला है डलहौजी लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया? सतारा को। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा में माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो ये 1853 में। अगला है गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? कर्नाटक में। अगला है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। अगला है विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला है कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अगला है अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? वर्नी ने। अगला है कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? द्वेता फिरोज शाह तुगलक। अगला है किस शासन काल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? द्वेता वाजिद अली शाह। अगला है हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित स्त्रिंग युक्त शेरो वस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी को की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। अगला है पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ? दारण्यक उपनिषद में। अगला है संगम युग में युद्ध का प्रसिद्ध कारण क्या था? पशुओं की चोरी। अगला है मुगल भवनों की दीवारें आदि पर शिल्पित फूल पत्रियों पर अरह बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ायु कला को पित्रा दौरा दौरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रा दौरा का व्यापक रूप से किया गया था? आगरा में इत्माद उद्दौला के मकबरे में के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रा दौरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था। नूर जहां ने अपने पिता इत्माद दल दौला का ये मकबरा बनवाया था। अगला कृत्य कल्प तरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद गहरवाड़। अगला एक प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अगला है अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1660 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरम खान के हाथों में। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? फिट्स इंडिया एक्ट। अगला है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्णपष्ट प्रथम ने। अगला है मौर्य काल में मारग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष। अगला है मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी। अगला है अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ का अधीन था।
किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करते थे? शिवाजी के काल में। अगला है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने। अगला है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश का। अगला है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिला है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने। अगला है, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। अगला है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में झोम झोम किसको किसको कहा जाता था? तो ये लिनन के कपड़े को। अगला है, बलवन की ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? सैन्य विभाग। अगला है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो ये था बहमनी राज्य। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो ये था नवाब सिराजुद्दौला ने। अगला है क्वेश्चन हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अगला है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवेष्टा। अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बौद्ध संघ धम्म। अगला है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। अगला है, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी थी? तो शाहजहां। अगला है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? औरंगजेब को। अगला है, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला है, केलाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ, इसे किसने और किसके लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए। अगला है, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? हरटाग समिति की। अगला है, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के। अगला है, चारों चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जवालोक निषद में। अगला है, सूत पिता किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ था? बौद्ध तथागत और शाक्य मुनि नामों से बौद्ध का था ये, ठीक है, सूत पिता बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला है, बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बौद्ध तथागत और शाक्य मुनि। अगला है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। अगला है, दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला है, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहे की काते हिंद किसकी कृति है? अल बरनी की। अगला है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। अगला है, जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम इत्मादौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूर जहां की गुट के। अगला है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बौद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? अजात शत्रु। अगला है, भारत में पिछले सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नत सलाका। अगला इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान व ईरान के। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राव भाऊ। अगला है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतन जारी किए? इल्तुतमिश। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगला है, साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मना? क्लीमेंट इटली। अगला है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के। अगला है, दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? सूत पिटक।
अगला अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मोग्गल्लीपुत्तिस्स। अगला है वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। अगला योनिका किसके लिए प्रयोग की जाने वाली यूनानी शब्द है? संस्कृति के नाटकों के पटाक्षेप के लिए। अगला है हमारा समुद्रगुप्त के अलावा प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। अगला है पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उद्धार गुप्त काल के किस चरण में हुआ? अंतिम चरण में। अगला इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? अमीर खुसरो। तृतीय हिंद अमीर खुसरो को बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? लाख बख्श। अगला क्वेश्चन है प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। अगला है दक्षिण के अलावार तथा न्यू नार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु तथा शिव के। अगला सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। अगला औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में। अगला ऋषभ देव ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभ देव देव और अष्टी नेमी का। अगला भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख राग थे? कपालिक संप्रदाय। अगला है संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान विष्णु कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई? मेव देवता से। अगला है किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के चार वर्ग थे? नारद स्मृति से। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये था लॉर्ड बेलिजली। अगला है अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतो फतो किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला क्वेश्चन है अवधान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार थे क्षेमेंद्र। अगला प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल काडियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो प्रथम थे श्रीगुप्त और अंतिम थे विष्णुगुप्त। अगला है महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला है हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? उससे भूति वंश का। अगला है सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी बेबीलोन। अगला है पेवरसेन ने चार अश्वमेध यज्ञ किए वह किस राजवंश का था? वह काटक वंश का। अगला है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अगला है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है यह था कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। अगला है सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? 711 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की। अगला है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा है थी फारसी। अगला क्वेश्चन है पंच सिद्धांतिका बेहद संहिता और बेहद जातक किसकी रचना है? वराह मिहिर की। अगला छिप्रा नदी के किनारे बसा कौन नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था? उज्जैन। अगला सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नांगनिका और गौतमी ने।
अगला है बौद्ध ग्रंथ में मेनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया? मिलिंद। अगला है कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई? गंधार शैली को। अगला है देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने। अगला है अर्ध नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में। अगला है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद को। कन्नौज का शासक था जयचंद। 1206 से ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? तो याद रखिए गुलाम वंश का। अगला क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ था? कालानौर में। अगला क्वेश्चन है जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। अगला हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत। अगला है भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फायान। अगला है बौद्ध ग्रंथ पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। अगला 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? तो ये था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला है प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलवरनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अगला है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला है अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंग राज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। अगला है जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत। अगला है सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? कनिष्क। अगला है महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? मगध का। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचारों को क्या कहा गया? गुण गुण पुरुष। अगला है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। अगला है इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। अगला है हमारा पृथ्वी राज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? कन्नौज के जयचंद को। अगला कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? नरसिंहम प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में की? तुर्की में। अगला है मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हर कारा। अगला है शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। अगला है वैशाली किस महाजनपद की राजधानी था? वज्जी। अगला है स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनुस्मृति में। अगला है पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। अगला है कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। अगला है रुद्रदामन के शासनकाल में कौन स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैन। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राणा कुम्मा। अगला कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष। अगला मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग। अगला किस पेशवा के समय
मराठा संघ की समस्त शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गई थी, बाजीराव प्रथम के। अगला है, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व कौन था? विलियम हॉकिंस हॉकिंस। अगला है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कार्नवालिस। अगला है, 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। अगला है, मेगास्थनीज की इंडिका ने इंडिका से किस शासक को उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। अगला है, मोहन जोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। अगला है क्वेश्चन हमारा, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्दबाहु ने। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वैसल और कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस में। अगला है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप। अगला है, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला है, तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन भरनी ने। अगला है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। अगला है, भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। अगला है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका शिग्नमित्त की रचना कौन थे? कालिदास। अगला है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो यह गुप्त कालीन मंदिर कला का। अगला है, भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? भगवत गीता। अगला है, दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक की। अगला है, दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। अगला है, वैटिक सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस और किस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो ये था कौशल महाजनपद का। अगला, प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? ये था थानेश्वर के पुष्पभूति राजवंश से। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो एक तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह। अगला, आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला, किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्ध का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला है, सोलंकी वंश के किस शासक ने के शासन काल में महबूब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? भीम प्रथम के। अगला क्वेश्चन है, नूर जहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी? जहांगीर का मकबरा, इत्मादौला का मकबरा। अगला, नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना? उसका नाम था विष्णुगुप्त या चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला, भारत में इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन करने वाले शासकों को वंश का को कहा जाता था? दास वंश या गुलाम वंश। अगला, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था?
कृष्णदेव राय का। अगला है 1500 सॉरी 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों से इसको संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। अगला, सांसारिक दुख से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की। अगला, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनुस्मृति में। अगला, एक कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली। अगला, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। अगला, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। अगला, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक दो बार हुआ? औरंगजेब का। अगला है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण को अलवरनी ने किसकी संज्ञा दी? जिहाद की। अगला है, चीनी बौद्ध यात्री वेन शांग ने बतापी की यात्रा की उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अगला, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। अगला, वेदों का अपूर्व रूसे क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला, आस्तो मां सदग मय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। अगला है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी है? मोरक्को का। अगला है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उनकी रचना के चार चरण भी माने जाते हैं। यह चार श्रेणियां थी, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। अगला है, अबू है रेहान मोहम्मद किस इतिहास के प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अलवरणी का। अगला है, 1206 ईस्वी से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का। अगला है, नूर जहां ने किसको इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की? अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग को। अगला है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के कदम में। अगला है, ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की दो दो अवस्थाएं हड़प्पा पूर्व व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं? वनवाली और कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, कौन है वह? नागार्जुन। अगला, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार ने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो ये था मुबारक शाह खिलजी। अगला है, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्ताधीन था? तो ये था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला है, भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है? जमात खाना मस्जिद। अगला है, अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की थी? गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। अगला है, किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? याद रखिए, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह तो यही है और यही है नहीं। अब यह उक्त भारत की ऐतिहासिक इमारत में लिखी है, दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। अगला है, चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? राणा प्रताप का। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका।
श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघ वर्मन ने समुद्रगुप्त से बौद्ध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। अगला राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किया? शेरशाह। अगला है दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक। अगला है नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है यह किसके काल में हुआ? चोल वंश। अगला है सन 1565 में किस स्थान पर हुई हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा। अगला है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी? हरिसेन ने। अगला है अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर। अगला है रामचरित मानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर। अगला है मिलिंद पन्हेओ पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के इस मध्य संवाद का वर्णन है? नागसेन। अगला क्वेश्चन है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाड़ी ग्राम में। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। अगला है दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने। अगला किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? तो ये था नागार्जुन। अगला चोल राजाओं ने किस एक से सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। अगला है इब्राहिम आदिल शाही को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगद गुरु कहकर। अगला है संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन और विचलित देवता नुरुगन था कालांतर में से कहा जाता है शुभ सुब्रहण्यम। अगला है तोल कप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? द्वितीय संगम काल से। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन मंदिर कहाँ के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति थी? विष्णु शर्मा की। अगला क्वेश्चन है चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? गोपुरम। अगला है बलबन ने दीवान के अर्ज की स्थापना की थी यह कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। अगला है दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोधी ने। अगला चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? याद रखिए गुजरात में। अगला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? माना जाता है गुप्तकालीन मंदिर का कला का। अगला सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की माप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। अगला है विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त मालयद कस्वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। अगला है गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वारंगल। अगला
अगला सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? 1853 ईस्वी से। अगला, कृष्णदेव राव ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तेलुगु में। अगला, मोहम्मद शाहिद द्वितीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था? एथेनिसियस निसियस निकी तिन। अगला, किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेन संग ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला है, बौद्ध संगतियां का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? बौद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। अगला है, त्रिपिटक के अंग हैं विनय सूत्र अभिधर्म, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किसके महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था की। अगला है, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नामक तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने। अगला है, भारत की प्रथम विकसित सैन्य सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को विवेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने। अगला है, मध्यकालीन किस नगर की शिवराज शिवराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? जौनपुर को। अगला है, ईरानी राजदूत अब्दुर रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजय या नगर की यात्रा की? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने 1667 में। अगला है, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? मौर्य सम्राट अशोक ने। अगला है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? शिशुनाग वंश। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वैसल और तथा कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस में। अगला है, कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को। अगला, कुहार के व्यापारी को वलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में? सिलिप्पा दी कारम में। अल्लाह हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 ईस्वी में। अगला है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? तो याद रखिए, था मोरक्को से। अगला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा गुजरात में। अगला है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? बेहद बृहदारण्यक उपनिषद। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था, इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रूमनिंदेई। अगला है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? वद्दबाहु ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मूसा को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। अगला क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी था? वज्जी की। अगला, मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में उर्रार किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। अगला क्वेश्चन है, अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलवरुणी का। अगला क्वेश्चन, मिर्जा ग्यास बेग किस मुगल सम्राज्ञी के पिता का नाम था जिनकी उनकी बेटी नहीं
इत्माद उद दौला की उपाधि दिलवाई नूरजहां। अगला है, भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? तो ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किस नगर से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और रोजती। अगला, किन सैन्य स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई है? लोथल एवं कालीबंगा से। अगला, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार है? सोम यज्ञ का। अगला, किस स्थान पर महात्मा बौद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। अगला है, पैगंबर मोहम्मद साहब की कहा को रवाना होने के दिन से ही हिजरी संवत की शुरुआत हुई? मक्का किससे मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थल चंद्रद्रोण और कोटचिदिजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के। अगला है, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार है? सोम यज्ञ का। अगला है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? कल्प सूत्र। अगला है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया? सिकंदर शाह बुद्ध सिकंद ने। अगला है, 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? मेवाड़ में। अगला है, मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था? काजी उल कुजात। अगला है, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2। अगला है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिया की पुत्री थी किसके पश्चात दिल्ली में सुल्तान बनी? रुकनुद्दीन के बाद। अगला है, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला है, तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? अल बरूनी ने। अगला है, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता गया? ब्रह्मा देव। अगला है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वित्तस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने। अगला है, तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बरनी ने। अगला है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रे ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की? जहांगीर के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु सिंध और बलूचिस्तान। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 4 वर्गों में विभक्त थे? अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग चार प्रमुख किन 4 वर्गों में विभक्त थे? थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। अगला है, महात्मा बौद्ध का जन्म कब हुआ? 563 BC में। अगला है, चित्ताझर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की। अगला है, विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। अगला है, चोल पांडव और चेरों के बीच संबंध में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। अगला है, मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला है, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। अगला है, क्रमांक देवचरित किसकी रचना है? विलहड़ की। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या था? मोहम्मद साहब के कथनों तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह।
चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। बिम्बिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में। अगला क्वेश्चन है, उत्वी फिरदोसी तथा अल बेरुनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? महमूद गजनवी के दरबार के। अगला है, चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और निसंस्था के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन हुमायूं। अगला है, इतिहास के प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खानों से। अगला है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। अगला है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? सेलुकस निकेटर ने। अगला है, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? दास वंश, खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अगला है, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह। अगला है, किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। अगला है, 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? बंगाल में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है, मैकियावली के फ्रेंड्स की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अगला है, अशोक के शासनकाल की अवधि थी 243 से 232 ईस्वी पूर्व। अगला है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? बल्लभाचार्य ने। अगला है, सम्राट कनिष्क के संबत का प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी पूर्व। अगला है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थ थे? 24। अगला है, सभी धार्मिक आर्यवंश अपने मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? मनु वैश्वा वेवसुत। अगला है, बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? रायचूर का दुआब। अगला है, दिल्ली सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। अगला है, राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था उसे कड़िक के नाम से जाना जाता था, यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? अजात शत्रु से। अगला है, विशाल साड़ों की जुड़वा फेरो वाली विशिष्ट प्रकार की मृड मूर्तियां किस सैन्य स्थल में प्राप्त हुई? कालीबंगा। अगला है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। अगला है, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? पुत्रियों का। अगला, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। अगला है, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? वर्नियर। अगला है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व। अगला है, हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा? बंगाल में। अगला है, मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला है, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, एक कथन किस संत का था? कबीर का। अगला है, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्टि। अगला है, नानाघाट नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? सातवाहन। अगला है, कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? जैन मत से।
अगला है, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? गुरु अंगद द्वारा। अगला है, वसुचरित के लेखक कौन थे? रामराज। अगला है, गुलाब ने इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट सामग्री ने किया? तो असमत बेगम। अगला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने। अगला है, अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। अगला है, मालविकमित्तम किसका ग्रंथ है? कैसा नाट्य ग्रंथ है। अगला है, कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है वियोग श्रृंगार का। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया गया जाता है? इहोल अभिलेख में। अगला है, किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया? बाबर के लिए। अगला है, सिद्धार्थ गौतम बौद्ध के जीवन में किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को। अगला है, भारतीय इतिहास में कौन वंश पित्तहत्ता वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश। अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के चार प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। अगला है, किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की? महेंद्र वर्मन ने। अगला है, नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? कनिष्क के दरबार में। अगला है, महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? फिरदौसी ने। अगला है, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। अगला है, प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिसका पुनः विवाह हो जाता था? पूत पूत रघु। अगला है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? अग्रहार। अगला है, बज्जान बौद्ध धर्म में बौद्ध बौद्धि सत्य की संगिनी को कहा जाता था? तारा। अगला है, कुमार संभव में किसकी जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय। अगला है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरर अभिलेख से। अगला है, राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। अगला है, शिवाजी के काल में पर राष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री का दया संज्ञा थी? सुमंत। अगला क्वेश्चन है, इसने इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? इसमें ख्वाजा मीर दर्द ने। अगला है, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से आधिकारिक निचोड़ना और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं, यह कथन किसका है? वर्नियर का। अगला है, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? विशन दास। अगला है, एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण बौद्ध तथा जैन मंदिर विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट वंश के। अगला है, सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा की थी, क्या कहलाते हैं? खोखर। अगला है, बहमनी राज्य में सद ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? धार्मिक तथा न्यायिक मामले के। अगला है, बलबन आम जनता में प्रसिद्ध था रक्त और लोहे नीति के कारण। अगला है, वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? अर्जुन को। अगला है, मराठा काल में चौथ से क्या आशय था? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर।
अगला है, शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूम में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। अगला है, हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा, ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हुई। यह टिप्पणी किसकी थी? स्टेनली लैंड पूल की। अगला है, फतुहात आलमगीर, जो इस्लामी कानूनों की संहिता है, के लेखक थे ईश्वरदास। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने दो मस्जिद बनवाई, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए खारिज। अगला है, महमूद के दरबार में अलवरणी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? शाहनामा। अगला है, गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की चार अवस्थाएं, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और संन्यासी को देखा था। ये चार अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? चार महाचिन्ह। अगला है, घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। अगला है, सिंगली बौद्ध ग्रंथ दीप वंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो ये 99। अगला, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। अगला है, किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया? 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन कर्ता माना जाता है। उसकी शासन अवधि थी 1211 से 1236 ईस्वी तक। अगला है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जहां पनाह नगर। अगला है, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से हुआ युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह है पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेर शाह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय की रचना अमुक्त मलक माल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। अगला है, गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बौद्ध के समकालीन मगध के दो राजाओं के नाम बताएं? तो ये बिम्बिसार और अजातशत्रु।
अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। अगला है, भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी, नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा। अगला है, मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण, तीनों धर्मों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया था? तो चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश की कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी है विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रख रखाव। अगला क्वेश्चन है, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी का खिलजी क्या था? कवि अमीर खुसरो। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना। अगला क्वेश्चन है, उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उनका बहुत प्रभाव रहता था। उन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम में धर्म सापेक्ष करवा रखा था। अगला है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो ये थे रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसने क्या उपाधि दी? तो यह चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार के निर्धारित किया गया? हड़प्पा संस्कृति आग इतिहास की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति थी। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया। याद रखिए, कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी डेट है 2300 से 1750। अगला है, सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया। अगला क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पेशनहारी है। सबका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक कालीन। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? यह भक्ति मार्ग। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजात शत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया जिसकी राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना जा गया, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? अशोक
अशोक मौर्य ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अगला, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए, फाहान की यात्रा के विवरण में। अगला, गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। ये महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन था? तुगलकाबाद का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था हुआ। अगला, एक खुतबा क्या था, इसका महत्व बताइए। खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईंटों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था, दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। अगला क्वेश्चन है, सबसे सूफी सिलसिला कौन था, कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? चिश्त या सिलसिला, इसके संस्थापक थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अगला है, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी पद्धति संगीत संपन्न हुई? तृतीय बौद्ध संगीत। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? चंदेल शासकों ने। अगला है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के साथ कौन मुस्लिम विद्वान भारत आया? अल बरूनी। अगला है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब। अगला है, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। अगला है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी में। अगला है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर। अगला है, मेगस्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। किस सातवाहन शासक ने शक नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमी बुद्ध सातकर्णी ने। अगला है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि चार आश्रमों का वर्णन हुआ? जबाल उपनिषद में। अगला है, संगम काल के किस साहित्य से संगम कालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणिमेखले से। अगला है, अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 में। अगला है, शाहजादे रूपए शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। अगला है, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का उपयोग किस मकबरा में किया? बलवन के मकबरा में। अगला है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है?
भारद्वाज ऋषि को। अगला है, पुनर्जन्म से संबंधित पिता का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भाबभू में है, किस राज्य में है? राजस्थान में। जयपुर स्थित शिलालेख की खोज 1840 में कैप्टन वर्ट ने की थी। अगला है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हैन सांग ने शक्रादित्य कहा था? कुमार गुप्त द्वितीय को। अगला है, बदायूं में स्थित होज ए सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया था? इल्तुतमिश ने। अगला है, मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते थे? फौजदार। अगला है, अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासन काल क्या है? 1844 से 1848 तक। अगला क्वेश्चन है, मैं निश्चित पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट है, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी, यह किसका कथन था? लॉर्ड कॉर्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में, सॉरी 1856 में लॉर्ड कैनिन के समय, याद रखिए 1856 है यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा सिकोट। अगला, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो यह 13वें अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। अगला है, पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कपालिकों के। अगला है, कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। अगला है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि चार आश्रमों का वर्णन हुआ है? जवाली जवालो उपनिषद में। अगला है, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेस्ती। अगला क्वेश्चन है, जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो वह यह प्रस्तुत की गई बर्तन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है, बताइए कि इन छोरों पर कौन कौन से स्थल हैं? रहमान टेरी और भगत राय। अगला है, अशोक के गंधार एवं लग्धमान के लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? लिखे थे आरमाई अरिमाई। अगला है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल कप्पियम का लेखक कौन था? तोल कप्पियर। अगला है, हमारा चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? कलुंज या फोन। अगला है, मौर्य उत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया गया था समिति के सभापति को। अगला क्वेश्चन है,
मौर्य साम्राज्य की नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? 6। अगला है, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के। अगला है, गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वह काटक के शासक रुद्रसेन से किया था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, जब चंद्रगुप्त ने वह काटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिपत्य जमा लिया। अगला है, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का तुलोवंशी है शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? आमुक्तमाल्य। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद करवाया था? 1564 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? मदद ए माल। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उसकी उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं बेले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साले द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल ए साले। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने किसको शीर्ण कलम की उपाधि दी थी? प्रधान की अब्दुस मत। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये थी नर्मदा नदी के किनारे। अगला है, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बौद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटना है। अगला है, चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। अगला है, भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं भारत का इतिहास प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के नंदीवर्धन नेक ने। अगला, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहट सिक्के। अगला, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत महात्मा बौद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम। अगला है, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। अगला है, विजयनगर के चौथे राजवंश आरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? 1570 में। अगला क्वेश्चन है, नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपर्युक्त वक्तव्य दिया था जियाउद्दीन बरनी ने। अगला क्वेश्चन है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और पिति विश्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक। अगला है, किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था?
महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला है, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? काला शोक के समय। अगला है, उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता है, था नूरजहां। अगला क्वेश्चन है, हाइड स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुरु के मध्य। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इब्राहिम गार्दी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गया में स्थित वह बौद्धि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया था? गौड़ के राजा शशांक द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्र गुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित है? त्रयाग में। अगला, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी, यह अंतिम विजय थी कलिंजय विजय। अगला है, किस मुगल सम्राट ने 1770 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? यह था फर्रुखसियर। अगला है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई? नटराज सिद्ध की कांसे की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। अगला क्वेश्चन है, अजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खाली गोसाल। अगला है, किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, तोल कप्पियम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? ये थे इयंग बलक के। अगला, ज्ञान की मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था रामानुज दर्शन का। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय गौड़वाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था मुल्ला दो प्याजा। अगला है, मित्र मेल संगठन के संस्थापक थे वी डी सावरकर। अगला है, वाकिम चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मठ में। अगला है, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? वसीन की संधि ने। अगला है, मौर्य के शासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, मंडल में 6 समितियां होती थी, यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर। अगला क्वेश्चन है, चिटगांव सस्तागार लूट कांड का नेतृत्व किसने किया था? सूरसेन ने। अगला है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अगला, किस ग्रंथ को दयाशय के नाम से जाना जाता है? कुमार पाल चरित को। अगला है, फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबे तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें कहा जाता था? अद्धा एवं बिक्वीक। अगला है, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। अगला है, एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? यह था जहांगीर। अगला है, वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या थी 1248। अगला, प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? बी पी वाड़िया द्वारा, वाड़िया द्वारा। अगला है, मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? माले मिंटू सुधार 1909। अगला क्वेश्चन, लेन पूल ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है? इतिहास में किसी
भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। तो यह हुमायूं के विषय में। अगला है, प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख तिथम पठित अभिलेख है? अशोक के अभिलेख। अगला, किस वेद की विप्लाद एवं शौनक नामक दो शाखाएं हैं? अथर्व वेद की। अगला क्वेश्चन है, सर्व प्रथम किस इतिहासकार ने सेंडोकोटस तथा एंडोकोटस नामों का तदात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जॉनसन है। अगला है क्वेश्चन है, अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? अलवरनी का। अगला है, 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? हरिहर बुक्का ने। अगला है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? महायान ने। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था? ग्यासुद्दीन तुगलक प्रथम था, महमूद लास्ट था, अंतिम था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन मरनी ने। अगला है, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। अगला, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है? तो यह महावीर की शिक्षाओं में। अगला है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? शाहजहां के काल में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरी होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट। अगला है, गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? कुषाण की। अगला क्वेश्चन है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? तो ये थे शेर शाह सूरी। अगला है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1152 में, 92 में, 1152 92। अगला है, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान करता था? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात हुआ, इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बावन। अगला है, सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर और मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ? 305 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व में। अगला है, बौद्धि सत्य किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महरौली स्तंभ लेख किसका है और उसे दिल्ली कौन लाया था? महरौली स्तंभ लेख चंद संभव चंद्रगुप्त द्वितीय का लेख है, जिसे फिरोज शाह फिरोज तुगलक के समय दिल्ली महरौली में लाया गया था। ठीक है, दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय। अगला क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? तो ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था, इसने कवि राज मार्ग की रचना की थी। अगला है, सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ? उस समय वहां का शासक कौन था? सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 में महमूद मूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक भीमदेव था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप गया कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? तो यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग और सरदेश मुखी में राजस्व का दसवां भाग वसूला
किया जाता था, वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। तो याद रखिए, मोती मस्जिद आगरा और जामा मस्जिद दिल्ली। अगला है, अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया था, यह किस नाम से जाना जाता था। प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया, यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, खानवा की युद्ध का क्या महत्व था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया कर लिया। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया। तिरुना बुक्कारासु नयनार अप्पार। अगला है, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं। अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन ए इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। अगला क्वेश्चन है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय। अगला है, विजय नगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था। भू राजस्व। अगला, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। तो ये था ग्यासुद्दीन तुगलक। अगला है, माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने, भारत के जैन स्थापत्य कला की। अगला है, 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया था। नासिर शाह ने। अगला है, प्रसिद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। अगला है, वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है, कोसम। अगला, किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह को मीजा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की थी व इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। जहांदार शाह ने। अगला है, रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था। सदा कौर। अगला है, दुर्गा राम मच्छा राम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक माना। 1844 ईस्वी में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की थी, सूरत में। अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, यह था लॉर्ड कार्नवालिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी, हैदराबाद ने। अगला इस क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है, जैन अवेस्ता। अगला है, चतुर्विस्ती षष्ठी संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है, रामायण को। अगला है, सूत ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्वु कहा गया है, द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया, पौन भय भाव। अगला है, 2825 ईस्वी में किस पर्सियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया था, डेरियस फर्स्ट ने। अगला है, कुछ कुल 108 उपनिषद में से कितने वैदिक साहित्य का नाम माने जाते हैं, प्रथम 12। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बौद्ध के समय अवंती जनपद का शासक कौन था,
चंद्र त्रिकोण महासेन। अगला है चौबीस चौबीसवीं चौबीसवें तीर्थकर महावीर का प्रतीक था सिंह। अगला है 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया, किस सूफी संत को समर्पित अर्पित थी? कुबूब उद्दीन बख्तियार खिलजी। अगला है अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मीब ताह उल फतेह संबंधित है जलालुद्दीन के अभियानों से। अगला क्वेश्चन है इटली की यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विभाग किया था? देवराय प्रथम के काल में। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? दूसरे गुरु गुरु गो गुरु अंगद ने। अगला है जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा सी हस्पा करता घुड़सवार दो से तीन घोड़ों वाले। अगला है सिख के नेता वीर बंदा बैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? बहादुर शाह प्रथम ने। अगला है मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्क्विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? लॉर्ड वेलेजली को। अगला है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य काल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? कुषाण वंश का। अगला है उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी थी? बाला थल। अगला है हमारा अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुड़ाली अशोक का पुत्र तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रीति का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक। अगला है तुलुवंश का संस्थापक वीर नरसिंह था जिसने एम्भाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के किस विख्यात शासक को आनंद भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? कृष्ण देव राय को। अगला है गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया, मनपसंद प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया, खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 ईस्वी में फांसी दे दी? जहांगीर ने। अगला है दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कोई कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? टॉमस रो। अगला है वह वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना प्रजापति विवाह, यज्ञ करने वाली पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विवाह विक्रय असुर विवाह कहलाता था। अगला क्वेश्चन है गोपुरम किस वास्तुकला की श्रेणी की विशेषता है? चोल द्रविड़ की। अगला है 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? मुंशी सेगांव की संधि। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में। अगला क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अलवरनी किसके काल में भारत आया था? महमूद गजनवी के काल में। अगला क्वेश्चन है हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? 622 ईस्वी से। अगला किस सुल्तान के शासनकाल में 40 या 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? मराठों को। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। अगला क्वेश्चन है
अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? द्वार था कुतुब मीनार का। अगला है, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी शान बीवी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर से। अगला, हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। अगला, तुझे के बाबरी बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखित है? तुर्की भाषा में। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला है, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पूर्णी नदी के तट पर। अगला है, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया? सोलंकी शासकों ने। अगला, हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना के उपलायन से। अगला है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ? हेमू तथा अकबर के बीच। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड स्पिन को। अगला है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? जहांगीर का। अगला है क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन का विरोध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया था? बीए स्मिथ ने। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये थे बीए स्मिथ। अगला है, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था? महेंद्र पाल के दरबार को। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? मेहर भोज को। अगला क्वेश्चन है, कुल मनसबदारों ने में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासन काल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? औरंगजेब के शासन काल का। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? द्वादशा अभिलेख। अगला है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अगला है, किसने किसके बारे में कहा था कि हम इसे जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? जरमरी ने। अगला है, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा करवाया? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि दो सुविख्यात नाम है, किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ? ये थे शुंगवंश, शुंगवंश। अगला है, वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की ब्रज्ञान शाखा को कहता था? तो ये था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला है, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? पेशवा। अगला क्वेश्चन, मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है? इत्मादौला का मकबरा आगरा। अगला है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्तनीज, डेइमेकस और पेट्रोक्लेस। अगला है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बौद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है? जातक। अगला क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है?
किष्किंधा कांड में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म तथा मृत्यु में हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। अगला है, गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी, कुषाण काल में। अगला है, ईसा पूर्व 6 सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ के काल में हुआ, गुप्त के। अगला है, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा, फार नाओ नूनीज ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की, कांची के पल्लव शासन को। अगला क्वेश्चन है, भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए, लॉर्ड कैनिन के समय में। अगला है, यज्ञ बलक और गार्गी संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है, किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी गैंडा वाघ अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं था, अश्व घोड़ा। अगला, चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, किस नगर को कुब्बतुल इस्लाम का नाम लिया गया, देवगिरी को। अगला है क्वेश्चन, प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच था, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की, रवि कवि रवि कीर्ति ने। अगला है, भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम था, बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल सिकंदर इब्राहिम। अगला, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांतों तैमूलंग ने भारत पर आक्रमण किया, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। अगला, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है, तेलुगु भाषा का। अगला है, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र था, नार नील और मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, सेवड़ बेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी, ये था चामुंडा राय ने। अगला है क्वेश्चन, शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मक का युद्ध किसके बीच हुआ था, किन किन के बीच, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। अगला क्वेश्चन है, फतुहात ए आलमगिरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता थी के लेखक थे, ईश्वरदास। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहेब बेखबर था, बहादुर शाह फर्स्ट का। अगला है, यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का, विंसेंट ए स्मिथ की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, सालवाई की संधि से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज में गुप्ता शब्द का प्रयोग होता है राजा के लिए। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्य नर्तकी की नगन प्रतिभा उसकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, यह किस धातु से बनी है, कांस्य से। अगला है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की
स्थापना की उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की थी? घनानंद को। अंगला कुशचंद्र गुप्त सम्राट ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया? दीनार। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? हर्षचरित और कादंबरी। अगला है क्वेश्चन, चौगान खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण एवक की मृत्यु हो गई थी। एवक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना, राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिणों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई है। उसके 8 मंत्री नामजद किए थे, इन्हें क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अगला, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? ये थे मंगल पांडे। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वो डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अर्ल ऑफ डलहौजी, लॉर्ड ऑफ डलहौजी, ठीक है, डलहौजी साहब थे। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? न्यू मिस्मेटिक्स में। अगला है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त फर्स्ट का, चंद्रगुप्त प्रथम का। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं हदीस। अगला है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, आहोम कहाँ के शासक थे? असम के। अगला क्वेश्चन है, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ का कहाँ स्थित है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। अगला है, महात्मा बौद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल तक मंडलों को। अगला, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया? जैम्बिक ग्राम में। अगला, कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषण के नहीं देखी जा सकती थी, यह कथन है वर्णी का। अगला क्वेश्चन है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजय राज नगर राज्य में आया था? देवराय सेकंड के, द्वितीय के। अगला है, सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमानित अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? 1608 में। अगला है, मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था? कृषि। अगला है, मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंट में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था? पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए
कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है हाथी गुफा अभिलेख। अगला है, मनुस्मृति तथा महाभारत में विरसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया जो धर्म का नाश करता है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, झेलम के तट पर। अगला है, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है, विशिष्टता द्वैत दर्शन। अगला है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। अगला है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, बहादुर शाह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से था, तो ये थे जौनपुर से। अगला क्वेश्चन है, फीट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए, रेगुलेटिंग एक्ट में। अगला है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, आगम। अगला है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सैंधव मोहरों का पर पशुपति मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। अगला है, अनुलोम विवाह में होता था उच्चतर जाति के लड़के का अपनी से निम्नतर जाति की लड़की से विवाह। अगला है, वह मौर्य राजा जो अमित्यघात नाम से जाना जाता है, वह है बिंदुसार, बिंदुसार। अगला है, जीवन का चार आश्रमों में विभाजन मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। अगला है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में किसका निर्माण कराया था, बुलंद दरवाजे का। अगला है, मत्ति विलास प्रहसन नामक नाटक की रचयिता थी महेंद्र वर्मन। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी, गागा भट्ट ने। अगला है, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, 1739 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहेब बेखबर था, बहादुर साहेब फर्स्ट का। अगला है, महमूद गजनबी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, कुमार पाल ने। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था, भूराजस्व। अगला क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान नाम से किसे जाना जाता था, शिवाजी की सलाहकार समिति को। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ की, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह ने। अगला, किस मुगल बादशाह ने नौरोज मनाया जाना बंद कर दिया था, औरंगजेब ने। अगला है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया, महाभारत का। अगला है क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था, चिड़ियों और पक्षियों के रूप चित्रों का। अगला है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायस राय कौन था, लॉर्ड बेवेल। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और निसंस्था के लिए इतिहास में लालिम नाम से जाना जाता है, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई, कन्नौज का जयचंद को। अगला है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ कहाँ हुआ था, रायगढ़ का दुर्ग में। अगला है, मेगास्थनीज की इंडिका के से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला क्वेश्चन है, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था, कृष्णदेव राय का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी,
ग्रासुद्दीन तुगलक को। अगला है तोल कप्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। अगला है रुम्मिन देई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। अगला है भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रेरिता कौन थे? नागार्जुन। अगला है किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक सात शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। अगला क्वेश्चन है नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासन के दौरान। अगला क्वेश्चन है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों ने से संबंधित है? तो यह राष्ट्रकूटों से। अगला क्वेश्चन है मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आए? सुंग वंश। अगला है हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? पितिहारों का। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। अगला है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा? शाइस्ता खां को। अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड मेयो की। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। अगला है गंधार शैली का संबंध किस कला से? मूर्ति कला से। अगला है नादिर शाह शैली का संबंध खान शैली का संबंध किस कला से? मोहम्मद शाह के शासन काल में। अगला है जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम हुआ था उसके अग्रदूत थे ईश्वर विद्यासागर। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसरों के बारे में। एलोरा के किस कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन ने करवाया था? शासक ने तो ये था राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन है कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासन काल में किया था? विलियम बेंटिंक के शासन काल में। अगला है सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना किसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था? जिसका किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन काल में हुआ? ये हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। अगला क्वेश्चन किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ये था चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता? राज राजा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांडव साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश था मार वर्मन सुंदर पांडव। अगला है वेटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समस्त भारत का वासा कौन था? जहांगीर। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? समुद्र गुप्त के। अगला है कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए तो है ऋतु संगार मेघदूत कुमार संभव फिर मालविकाग्नि मित्तम फिर अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम विक्रम बरसियम। अगला है प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को। अगला है गंग वंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? याद रखिए नागर शैली में। अगला है इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खान ने मंगोल आक्रमणकारी था। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज तुगलक। अगला कन्नौज
कन्नौज का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। अब है मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देख रेख भाल करने वाला अधिकारी था, ए मीर ए बख्शी। अगला है आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? गुरु अर्जुन देव के काल में। अगला है जेबू त्रिसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? औरंगजेब की। अगला है खापी खाकू किसके शासनकाल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? तो ये था औरंगजेब के शासनकाल में। अगला है अष्ट प्रधान के आठ पदाधिकारियों में दबीर या सुमंत को दायित्व दिया गया था? विदेशिक विभाग मामलों का। अगला आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने सात दिल्ली सुल्तानों का काल देखा? अमीर खुसरो के काल के बारे में। अगला है महमूद गवा ने किस शासक की सेवा की है? बहमनी शासकों की। अगला है मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खान। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की? ये 1875 में बम्बई में। अगला है स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। अगला है सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस गया था? सिंध के रास्ते से। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो द्वारा रचित खजा इतुल फुतुह का संबंध किस सुल्तान से था? अलाउद्दीन खिलजी से। अगला क्वेश्चन है वास्तुकला की राज सिंह शैली किस राजवंश से संबंधित थी? पल्लव वंश से। अगला क्वेश्चन है चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला है जहां पना है नामक चौधरी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम किसे शासन काल में प्रसिद्ध था? किसके में? पल्लवों के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा जैसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक मूल्य रत्न समझा जाता है का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है तंजोर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल वंश के शासक ने। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है नगर था लोथल। अगला क्वेश्चन है राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, ये किसने कहा था? कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? विभाकर वर्धन। अगला क्वेश्चन है प्राचीन में पूर्वी समुद्र पर तट पर स्थित किस बंदरगाह से सुमात्रा जावा चीन आदि से व्यापार होता था? ये था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। अगला है नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला है क्वेश्चन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना थी। अगला क्वेश्चन है शक संबत कब से मनाया जाता है? 78 AD से। अगला महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति कौन करता था? सुल्तान। अगला है अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? खजायान उल फुतुह में। अगला है कुश्ती मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए रखें? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति
अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ विजयनगर साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। अगला क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, राजा कृष्ण देवराय किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अगला एक क्वेश्चन, किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला, किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी? फरूख सीयर ने। अगला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, यह वक्तव्य किसका है? रैमजे मियूर का। अगला, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट करवाया किया था? चार्ल्स मैसन ने। अगला है, किस संहिता को ब्रह्मा देव कहा गया? तो ऋग्वेद को। अगला, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये थी फरोसनी नदी। अगला, ख्वाजा अब्दू समद किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर के दरबार का। अगला, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम सरकी ने। अगला, मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार के उपयोग किसके निर्माण में हुआ था? इत्मतदौला का मकबरा। अगला, तुजुक बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला, अष्ट दिग्गज किसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे? कृष्ण देव राय की सभा की। अगला, न्याय के लिए वार्ता से सीधे फरियाद करने का अधिकार किस मुगल शासकों से ने प्रदान किया था? जहांगीर और शाहजहां ने। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेजी कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? कैप्टन हॉकिंस। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारतीय के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर, हिस्ट्री को देख रहे हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो याद रखिए, फिरोज तुगलक ने, फतेह फिरोज शाही। अगला है, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता देवता का है? विष्णु का। अगला है, किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई थी? कांची के पल्लव वंश को। अगला, हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। अगला, पिलासी का युद्ध बंगाल के नवाब नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? तो ये 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विश्लेषणों से पुकारा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्र दामन से। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? महोबा में। अगला है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। अगला है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली? लॉर्ड कर्जन ने। अगला है, महात्मा बौद्ध ने
मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि मध्यम मार्ग अतीत भोग विलासपूर्ण जीवन से और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग है मार्ग था। अगला है, भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीव विद्यमान है। अगला है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक किसके लेख है? हरस में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की है? अली वर्दी खान ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, कांची का कैलाश मंदिर जिसके द्वारा स्थापित की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव राजा राज सिंह द्वारा, प्रारंभ में पुत्र महेंद्र द्वारा पूर्ण। अगला है, किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान ए अमीरी अमीर कोही की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में थे? कनिष्क की राज्यसभा में। अगला है, फारस ने से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय किस राजवंश से संबंध था? तुलो राजवंश से। अगला, किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1669 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? बीजापुर के शासक ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटदा कहाँ पाया गया? गुजरात में। अगला है, अलवरनी द्वारा लिखित भारत वृत्तांत है? किताब उल हिंद। अगला है, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर में। अगला है, मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? गुरु तेज बहादुर को। अगला है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ हुई थी? लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया? मीर कासिम शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? सर जॉन चाइल्ड को। अगला है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? बक्सर के युद्ध में। अगला है, अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत किया था? अवध के शासक को। अगला है, भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? अशोक को। अगला है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? चंदावर के युद्ध में 1194 में। अगला है, वैदिक काल में कौन सा जानवर अगण्य माना जाता था? गाय। अगला है, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मलिक अमर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? इथोपिया का। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया? 1858 ईस्वी में। अगला है, लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति ना करने की नीति का आरंभ किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने।
अगला है, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। अगला है, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये था मौर्य सम्राट अशोक। अगला है, तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अल बरूनी ने। अगला है, किस सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? तो ये लोथल और कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज के राजा जयचंद को। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई मस्जिदों में सबसे पहले कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक सात शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। अगला है, नूर जहां ने अपने प्रभाव से खुद बादशाह बेगम की उपाधि ली, अपने पिता को इत्माद उद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई, उसके पिता का नाम क्या था? मिर्जा ग्यास बेग। अगला है, इलाहाबाद संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। अगला है, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के किस नाम का प्रयोग किया? सेंडोकोटस तथा एंडोकोटस। अगला है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना किसने की? जियाउद्दीन वर्दी ने। अगला क्वेश्चन है, 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? ये था मेवाड़। अगला है, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। अगला है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अगला है, भारत में ब्रिटिश व्यापारी प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का। अगला है, गुप्त काल के किस प्रसिद्ध लेखक ने स्वपन वासवदत्ता की रचना की? इतिहास। हाँ, अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम किनके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? पल्लव शासकों के शासनकाल में। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? हाहान। अगला है, इब्राहिम खां गद्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? वालाजी बाजीराव का। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मुगल वंश के। अगला है, खिज्ज खां किस राजवंश का संस्थापक था? सियद राजवंश का। अगला क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से द्वेष रखता था? निजामुद्दीन औलिया से। अगला है, बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? वासुकुंड। अगला है, खिज्ज खान ने किस खिलजी शासक के सेनानायक के पद पर कार्य किया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, किस सुल्तान ने अब्दुल रजाक को
देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। यह था खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। अगला है, किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, शाहजहां के शासनकाल में। अगला है, अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था की थी, व्यवस्था स्वीकार की थी, तो ये था शुजाउद्दौला ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था, अमरकोट के राजा की शरण में। अगला है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस ने रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था, यह जहांगीर के शासनकाल में। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया, तो यह लॉर्ड एलन बरो। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण की लिखी, तो यह फिरोज तुगलक ने। अगला है, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोधी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ, बक्सर के युद्ध में। अगला है, बाह्य लिपि ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया, जेम्स पेंसेप ने। अगला है, महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन थे, कौन बना, सुधर्मण। अगला है, जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ, तब ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने संभाला, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किसकी कीर्ति का विवरण देता है, पुलकेशिन द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है, सावित्री को। अगला है, किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, तो यह उपगुप्त के प्रभाव में आकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया, समुद्रगुप्त को। अगला है, प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति किसने लिखी, हरिशयन ने। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूट मार के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए, मलिक कपूर ने, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारिक ए फिरोजशाही था, जियाउद्दीन बरनी, शमसे सिराज, अफीम की कृतियों का। अगला है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है, दिल्ली के लाल किले की दीवाने आम में। अगला, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था, आसफ जाही। अगला है, किसके वायसराय काल में तीन प्रमुख शहरों कलकत्ता मद्रास बंबई में हाईकोर्ट स्थापित हुए, जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। अगला है, देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में, ऋग्वेद संहिता में। अगला है, किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला है, मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए, अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था, 17 बार किए थे इसमें आक्रमण, अंतिम आक्रमण का लक्ष्य था सोमनाथ का मंदिर। अगला है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है, शिव को। अगला है, वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था, कालीकट। अगला है, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था, गुरु ग्रंथ साहिब को। अगला है, दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था,
मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम ने। अगला, किसने मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापारी की सुविधा प्रदान की थी? जहांगीर ने। अगला, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में। अगला है, किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सिकरी में। अगला है, फिलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। अगला, इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। अगला है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। अगला है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। अगला है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला, 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। अगला है, झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी, प्रकृति देवी और स्वास्तिक चिन्हों की। अगला है, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अगला है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के। अगला है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है, रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए। अगला है, पिसम जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत। अगला है, नंदवंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः थे तो महापद्म नंद प्रथम थे और अंतिम थे घनानंद। अगला है, किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? कांची के पल्लव वंश को। अगला, हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? 622 में हुआ। हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से संबंधित है तिथि। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। अगला है, दुध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 में किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला है, अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? वांडीवास। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? शाहजहां के शासनकाल में। अगला है, किस वंश के ध्वंसाओं शेषों पर चोल राज्य की स्थापना की गई? कांची के पल्लव वंश के ध्वंसेशों पर। अगला है, कालिदास की रचनाओं मेघदूत, ऋतु संग्रह, विक्रम वर्षीय तथा रघुवंश में से कौन रचना नाटक की श्रेणी में आता है? केवल विक्रम वर्षीय, अन्य तीनों रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती है। अगला है, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था? सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों का पर नियंत्रण। सैनिक शक्ति
में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। गुलाम वंश के प्रारंभिक चार शासकों का अनुक्रम बताइए। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आराम शाह, फिर शमसुद्दीन, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? ये था राज राजा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, याद रखिए। अगला है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभत्सता का वर्णन करता है? 13वां शिलालेख। अगला है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अगला है, अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अगला है, बिम्बिसार किस वंश के शासक थे? हरेक वंश के। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को। अगला है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? ये था जहांगीर की अनुमति से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अगला है, किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा? तो यह है नादिर शाह ने। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंसेप को। अगला है, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? पेशवा को। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? सूरत। अगला है, देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किससे हुआ है? तो यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। अगला है, संगम साहित्य की रचना किसके राजकीय संरक्षण में की गई? तो ये पांडव संरक्षण में। अगला है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त युग के किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 ईस्वी में। अगला, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्ण देव राय के साथ मित्रता की संधि की थी? अल्मोड़ा ने। अगला है, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? कुतुब शाही। अगला है, एपिग्राफी से क्या अभिप्राय? शिलालेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? आग ऐतिहासिक काल से। अगला है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? राजस्थान, सिंध, पंजाब, गुजरात में।
अगला है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था? नसरुद्दीन खुसरो। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? राजा मानसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में तीन प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास व मुंबई में हाईकोर्ट स्थापित हुए थे जॉन लॉरेंस के शासनकाल में? अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी, अवध के उस नवाब का क्या नाम था? सुजाउद्दौला। अगला है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने की साक्ष्य सूची हुआ है? तो यह रंगपुर लोथल से। अगला, किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? सर जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, ऋतुसंहार, कुमार संभव, पुष्प वाण विलासम। अगला है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वह कौन था? यह था शमसुद्दीन दमगानी। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए गए? मलिक कपूर ने, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? चंद्रचूड़। अगला है, सैंधव सभ्यता के किस संग्रह से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए? सुरकोटदा। अगला है, किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल राजस्व प्रबंधन के प्रवर्तक थे? राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। अगला, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। अगला है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? छापामार युद्ध पद्धति, युद्ध नीति। अगला है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। अगला है, पहली दूसरी तीसरी तथा चौथी संगीतिया क्रमशः कहाँ हुई थी? गिरिब्रज, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर में। अगला, चीनी बौद्ध यात्री हैंसांग वांग हून सी इत्सिंग तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम क्या है? फाहियान, हैंसांग वांग हून सी तथा इत्सिंग। अगला है, राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह मुंदेला ने। अगला है, अकबर के शासन काल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? रजम नामा। अगला है, हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए? कृष्ण देव राय ने। अगला है, भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? गोवा में। अगला है, कालासोर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। अगला है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जाफर। अगला है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मेंडेविड हरे तथा एलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, शेख मुइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गज ये शंकर कौन थे? फरीद
चिश्ती संत। अगला, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? हड़प्पा के उत्खनन में। अगला, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला है, महात्मा बौद्ध का जन्म निर्वाण निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुई? वैशाख पूर्णिमा को। अगला है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? संस्कृत में। अगला है, मंगोलों ने सबसे किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले? तो इल्तुतमिश के शासनकाल। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माण शाला स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, इतिहास। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? महमूद शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? शाह शुजा की अनुमति से। अगला है, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में, बफर स्टेट के रूप में रखा? मराठों के विरुद्ध। अगला है, यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? ये थे मेगास्तनीज। अगला है, गंगा और सोन के संगम पर पटना में किसने किला बनवाया था? उदयन ने। अगला है, महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? पल्लवों के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? चोल वंश के। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? आहान। अगला, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। अगला है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल पर। अगला है, लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदारों के साथ। अगला, किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? आचार्य नागसेन का। अगला, किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? रुद्रदामन ने। अगला, किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? ये संप्रीति। अगला, मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की? दशरथ ने। अगला है, किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? तो कुमार गुप्त ने। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? शेर शाह सूरी के दरबार, राज दरबार में। अगला है, बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे, उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की? मुबारक खान ने, पाटन गुजरात में। अगला है, किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए? शाहजहां के राज्यकाल में। अगला है, उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? सामू गढ़ का युद्ध। अगला, मजहरनामा किस लोगों ने तैयार कराया? अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने। अगला, वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई? समुद्रगुप्त की। अगला, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 में। अगला, सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? सूर्योपासना को। अगला, हिंदू पादशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? वाजीराव प्रथम ने। अगला, किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया? यह शेर शाह सूरी ने। अगला, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुबाद। अगला, किस मुगल मुस्लिम शासक ने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की?
अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां किन्हें कहा गया? मोहरों को। अगला है, हिंदू पद पादशाही का आदर्श किस महाराठा पेशवा ने रखा था? वाजीराव प्रथम ने। अगला है, किस अंग्रेज को जहांगीर में 400 जात का मनसब प्रदान किया था? कैप्टन हॉकिंस को। अगला है, फरोख सियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जॉन सरमैन ने। अगला है, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? रीवा के राजा रामचंद्र वघेल की सेवा में। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। अगला है, भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? हैदर अली। अगला है, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित हैं? प्रयाग में। अगला है, उस राजवंश का क्या नाम था जिसकी हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? शुंग वंश। अगला है, सिंधु कालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती वस्त्र सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले? मोहनजोदड़ो। अगला है, मनुष्य से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तांबे का। अगला है, मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते हैं? जागीर। अगला है, निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने आईने दहशाला पद्धति प्रारंभ की? अकबर ने। अगला है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? संभाजी ने। अगला है, मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? मीर बख्शी बख्शी। अगला है, तैमूर ने किसके काल में भारत का पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद। अगला है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है? पुर्तगाली अंग्रेज डच फ्रांसीसी। अगला है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे? राजा लक्ष्मण देव कहाँ के शासक थे? बंगाल के। अगला है, विजयनगर 1336 ईस्वी तथा बहमनी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश। अगला है, किस स्थान के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। अगला है, मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किस शासकों ने कराया? पल्लव शासकों ने। अगला है, मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? वीणा का। अगला है, ऋग्वेद काल निस्क किस अंग में पहनने का गहना था? गले में। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया तथा उसका वायस रिजेंट था? तो गयासुद्दीन बलबन। अगला है, अकबरनामा तथा ऐने अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी? अबुल फजल ने। अगला है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कही गई? अथर्ववेद में। अगला है, आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है? यजुर्वेद से। अगला है, संगम साहित्य की रचना किस शासकों के संरक्षण में की गई थी? पांडव शासकों के। अगला है, मनसब देने की प्रथा किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। अगला है, किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली? अकबर ने। अगला है, किस शासक ने आईने दहशाला पद्धति की शुरुआत की थी? अकबर ने। अगला है, दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहा जाता है? तुकाराम को। अगला
अगला, किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया था शाहू के शासन काल में? अगला, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? राजा जयसिंह ने। अगला है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। अगला, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में चट्टानों पर। अगला है, सप्त पगोड़ा पगोड़ा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? महाबलीपुरम तमिलनाडु। अगला, भारत के कुंभ मेला स्थल है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अगला है, संगीत रत्नाकर ग्रंथकार है सारंग देव। अगला, प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? राजा रवि वर्मा की। अगला, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अगला, लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। अगला, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था स्थान था आगरा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इतिहास से संबंधित देख रहे हैं। लगभग नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं स्वीडिश अकादमी द्वारा। अपनी साहित्यिक कृतियां द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान किसने किसे प्रदान किया गया? मैथिली गुप्त शरण को। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त का। अगला, किस धर्म से अणुव्रत सिद्धांत किया गया? जैन धर्म से। अगला है, माधवी मुद्गल मुद्गल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ओडिसी। अगला, किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय के तुल्यकालित किया है? श्रीलंका ने। अगला है, रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। अगला है, टू लाइफ पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। अगला, सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? सुरक्षा मंत्रालय की। अगला है, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोदावरी नदी के। अगला है, वेन और मैन किस के अनुरूप है? तो यह वाइड एरिया नेटवर्क मेट्रो पोलिशियन पोलियन एरिया नेटवर्क। बताओ, इतिहास में कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल दिए, क्या बात है। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अगला है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री था बीके कृष्ण मेनन। अगला है, नील की खेती तिहारी की घोर प्रथा और बगान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाट्य के रचनाकार कौन थे? तीन बंधु। अगला है, गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सीमा है? इंडोनेशिया की। अगला है, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड किसकी अनुसंगी कंपनी है? रिलायंस की। अगला है, जामनगर में कारगत रिफाइनरी किस कंपनी की है? रिलायंस की। अगला है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। अगला, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। अगला है, जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? अथर्व वेद में। अगला है, ऋग्वेद में अगन्या किसके लिए कहा गया? गाय के लिए। अगला है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी यह कथन किसका था? हीलर व्हीलर तथा गार्डन का। अगला उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। अगला, यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला का किस शैली का विकास हुआ? गंधार शैली का। अगला है, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदन। अगला, लोदी सुल्तान कौन थे? अफगान। अगला,
अगला है, फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस एक कवि ने विद्रोह किया था? मलिक शमसुद्दीन शाह ने। अगला है, रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? रजियत उद्दीन। अगला है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता की स्थल की खोज की गई? 1922 में हुई, मोहनजोदड़ो की। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित थी? कनिष्क के शासनकाल में, कुंडल वन बिहार कश्मीर में। अगला है, भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ कौन कौन थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला है, बौद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में था? विनय पिटक में। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का था? रुद्रदामन का। अगला है, शेर शाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी? कलिंजर। अगला है, किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा, राक्षसी, तंगड़ी। अगला है, हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या मुगल सम्राट के काल में थी? औरंगजेब के काल में। अगला है, यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली। अगला है, कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही किसके ने स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित किया? 1565 में। अगला है, महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके भी सोमनाथ के मंदिर को लूटा, उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम फर्स्ट, चालुक्य शासक था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है, विजयनगर पर शासन करने वाले तीन राजवंश? तो यह है सलो, तुलो, अरविंदो, अरविदु। अगला, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। अगला, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे? सात। अगला, वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की। अगला है, खिलजी खां किस खिलजी शासक का सेनानायक था? अलाउद्दीन खिलजी का। अगला है, गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? ऋग्वेद में है, सावित्री को समर्पित है। अगला, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले? मोहनजोदड़ो से। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध में। अगला है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासकों ने कराया? यशो वर्मन। अगला है, गुलाब वंश का अंतिम शासक कौन था? वसमसुद्दीन क्यूमरस। अगला, किस शासक ने आईने दहशाला पद्धति की शुरुआत की थी? अकबर ने। अगला, किस गुप्त शासक के समय हूणों के आक्रमण हुए? स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय। अगला, किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया? भद्रबाहु के साथ। अगला, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अगला, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो सेवने के किले में। फारसी भाषा के अनेक विद्वान द्वारा संकलित रजम नामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? महाभारत का। यहाँ बताते हैं आपको शिवाजी के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में सेवने दुर्ग में हुआ था, और इनकी मृत्यु भी बात करें तो 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ फोर्ट में हुआ था। ठीक है, इनकी समाधि की बात करें तो रायगढ़ में। इनकी पत्नी का नाम था सकोवर बाई और पुतला बाई। ठीक है, इनके बच्चे थे संभाजी, राजा राम, अंबिका बाई, रडू बाई, जाधव। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे भारतीय इतिहास के से संबंधित
महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स।